आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी C25S के बारे में। स्पेसिफिकेशन काफ़ी मुझे अच्छी लगी एंड क्या इसका राइट प्राइस टैग बनता है, तो बात करेंगे इसी फ़ोन के बारे में। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी बकवास। सो रियलमी C25S में आपको मिलता है हेलियो G85 गेमिंग प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, जिसके साथ जो दो कैमराज हैं वो है मैक्रो और डेप्थ सेंसर। फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, 6000 mAh की बैटरी, 18 वॉट फास्ट चार्जिंग, 6.5 इंच का 720p का डिस्प्ले, और यहाँ पर आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है वो बैक पे मिलता है। तो बात करें इसी फ़ोन के बारे में, स्पेसिफिकेशन मुझे काफ़ी सही लगी एंड प्राइसिंग की बात करूँ तो इसका जो वेरियंट है वो है 4128 एंड जो रियलमी का UI आपको पता ही है काफ़ी अच्छा UI मिलता है, ब्लोटवेयर वगैरह काफ़ी कम होते हैं, तो उस चीज़ को भी देखते हुए इसकी जो राइट प्राइस टैग है वो मेरे ख्याल से 22,000 या 23,000 होनी चाहिए। हीलियो G85 जो प्रोसेसर है आपको कैमन 17 में मिल जाता है 23,500 के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा फ़ोन से जो आपको 22 से 23,000 के अराउंड जो है ना आपको हीलियो G85 प्रोसेसर प्रोवाइड करते हैं अच्छी कैमराज के साथ, 6128 GB वेरिएंट के साथ। लेकिन यहाँ पर 4128 है तो मैं कहूँगा कंपटीशन को देखते हुए ये 22,000 का आ गया तो काफ़ी मस्त डील होगी, मैक्सिमम 23,500-24,000, इससे ऊपर गया तो ये फ़ोन ओवर प्राइस हो जाएगा, क्योंकि सेल्फीज़ में जो है ना काम कम किया गया है एंड जो है ना अल्ट्रा वाइड सेंसर भी यहाँ पर आपको नहीं मिलता। उस सब चीज़ों को देखते हुए 22,000 से लेके 24,000 के अंदर अगर ये फ़ोन आता है सो इट विल बी डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी, और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे इस फ़ोन की डिज़ाइन काफ़ी पसंद आई, फ्रंट में आपको नॉच की डिज़ाइन मिलती है जो कि काफ़ी वियर्ड है, क्योंकि यहाँ पर आपको पंचोल सारे ब्रांड्स ऑलमोस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने कुछ सेल्फीज़ वगैरह भी शो की हैं, तो ओवरऑल मुझे काफ़ी मस्त डील लगी है रियलमी C25S। आपको ये फ़ोन कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को कर दो सब्सक्राइब।